सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूंगी जिसका सरोकार जन जन से है। उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में क्षेत्र की कई मांगों को 9 अगस्त को खत्म हुए मानसून सत्र में उठाया था। लोकसभा का सत्र खत्म होने के बाद से ही कैराना सांसद लगातार अपने क्षेत्र में ही है। इस दौरान क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनते और संबंधित अधिकारियों को बात कर निस्तारण कराते हुए इकरा नजर भी आई। इससे जुड़ा एक वीडियो भी इकरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। बता दें, इससे पहले 15 अगस्त को भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रखे गए कार्यक्रम में भी इकरा नजर आई थी। बता दें, महज 29 साल की इकरा 18वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसदों में से एक हैं। इकरा ने लोकसभा में क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी मांगों को सदन में रखा था, जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री से अपने क्षेत्र में नए डिग्री कॉलेज खोले जाने से लेकर गर्ल्स हॉस्टल बनाने और शिक्षा मित्रों को लेकर अपनी बात रखी थी। इकरा हसन ने शिक्षा को लेकर जो मांग रखी थी उसकी सदन में खूब तारीफ हुई थी। सपा सांसद इकरा हसन ने इस दौरान कैराना के विजय सिंह पार्थिक डिग्री कॉलेज में बीएड और एलएलबी जैसे कोर्स शुरू किए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इससे उनके क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इकरा ने जनपद शामली नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोलने की मांग की और कहा था कि शामली में नया केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाएं। इसके अलावा कई और मुद्दे भी कैराना सांसद ने सदन में उठाए थे। बात इस सदन में रखने का मौका दिया, इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूंगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद।